क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंकी बनाना। इसके लिए हमें चाहिए ये चॉप किया हुआ थोड़ा प्याज, एक प्याज है, एक शिमला मिर्च है, एक टमाटर है, एक बाउल पनीर है, थोड़े से हरी मिर्च और अदरक है जिसको हमने बारीक काट लिया, और गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, और ये थोड़ी सी बीन्स है, जो हरी वाली बीन्स आती है वो है, और ऑयल चाहिए थोड़ा, ये टमाटो सॉस, चिली सॉस और ये वाइट विनेगर। और डो बनाने के लिए हमें आधा कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी लगभग मैदा और थोड़ा सा ऑयल चाहिए और पानी। एक पैन चढ़ाया हुआ है, उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको थोड़ा चलाना है, ज़्यादा नहीं इसको लाल करना है। अब लगभग प्याज थोड़ा सा भुन गया है, इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको फिर थोड़ी देर चला लेंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमने बीए निकाल के तब बारीक बारीक काटा है। साथ में इसमें हम पहले बीन्स डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा गलने में टाइम लगता है, इसको पहले डाल देंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक सबको करना है बस। ये देखिए फ्रेंड, बीन्स डालने के बाद अब हम इसमें गाजर को ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को हमको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। ये देखिए फ्रेंड, गाजर के बाद अब हमें शिमला मिर्चा डाल देंगे। इसको भी बिल्कुल जरा आधा मिनट बस चलाना है। अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, ब्लैक पेपर, काली मिर्च आपको अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हरी मिर्च भी है तो अपने अनुसार उसको डालिए, और थोड़ा सा चाट मसाला। इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इन सबको मसाला मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। देखिए सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा डालेंगे टमाटो सॉस और जरा सा डालेंगे व्हाइट विनेगर। इन सबको फिर अच्छे से मिला लेंगे। कि हमारा इस तरह इसको खूब अच्छे से सुखा लेना है, फिर लास्ट में धनिया की पत्ती हम डाल देंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैटर बन चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड, डो बनाने के लिए हम यहाँ पे ये देखिए गेहूं का आटा जो लिया था वो डाल देते हैं,
साथ में ही मैदा भी ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये तो पूरा मैदे से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से बना सकते हैं, पर हमने यहाँ पर थोड़ा आटा लिया है, बाकी मैदा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। और आधी चम्मच ऑयल। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मलना है। पानी हमें नहीं डालनी है, इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, बहुत बिल्कुल मुलायम सा। ये देखिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है बिल्कुल। देखिए हमारा ये डो तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाएंगे, उसको एक बार फिर से इस तरीके से 5 मिनट के लिए इस तरीके से ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स ये 5 मिनट हो गए, अभी हम देखते हैं। ये देखिए खूब अच्छे से आटा हो गया। एक बार इसको अच्छे तरह से और इस तरीके से कर लीजिए, मल लीजिए। अब इसको साइड में रख के इसको एक सेल्फ पे या आपके पास चकला हो तो उस पे करके जिस साइज में आपको बनाना है ऐसे तोड़ लीजिए। ये इस तरीके से कर लीजिए और इसकी ऐसे एक पेड़ा बना लीजिए और इसको इस तरीके से मैदे को छिड़क के इसको आप रोटी की तरह बेलिए। आपको जितनी बड़ी बनानी है फ्रेंकी। किनारे से आपको बेलना है, किनारा आपका पतला होना चाहिए बिल्कुल। इसको हमने ऑन करके ये तवा चढ़ा दिया है, ये नॉन स्टिक तवा है। इसको आपको खूब तेज गर्म रखना है, धीमा नहीं। बाद में इसको स्लो कर देना है आपको। हमारी रोटी बिल गई, अब हम इसको कटर की सहायता से आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। आप ना है तो गोल रख सकते हैं। हमने इस शेप में रखा है इसको। ये देखिए इतना पतला, जितना पतला आप कर सकते हैं। इसको तवे पर रख दीजिए, तेज हमारा गर्म है तवा। फिर इसको बिल्कुल धीमा रखना है आपको, बहुत ज्यादा इसको नहीं सेकना है। जब तक हमारी ये सिक रही है तब तक हम दूसरी बेल लेते हैं। ये देखिए हमारा इस तरीके से सिकना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें लाल नहीं करना है, चारों तरफ से तरीके से सिक जानी चाहिए। साइड से इस तरीके से बन गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे।
चारों तरफ बटर लगा देंगे इस तरीके से। हम नीचे इसको तवे से उतार लेंगे ये। अब हम दूसरी डाल देंगे, बिल्कुल धीमी आंच में आपको सिकना है। बैटर बनाया था इसको हमें इस तरीके से रखना है। आप चाहिए तो भुने हुए आलू का भी बना सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ हो वो अंदर भर सकते हैं, राजमा भर सकते हैं, बीन्स भर सकते हैं। ये फोल्ड किया इस तरीके से, ये इसको चाहिए आप तो नैपकिन में रख लीजिए या फिर फॉइल में। देखिए इस तरीके से हमने इसमें बीच में डाल दिया है। आप इसको किसी भी तरीके से रोल कर सकते हैं। ये देखिए, तो देखा फ्रेंड्स हमारी पनीर फ्रैंकी बनकर तैयार है। आप इसको जरूर बनाइए और बच्चों के टिफिन में भी आप इस तरीके से रोल करके दे सकते हैं। आप किसी वे में इसको रोल कर सकते हैं, चाहे आप गोल बना लीजिए या चौकोर बना लीजिए, ये बहुत अच्छी बनती है। इसकी जगह आप आलू का भी बैटर बना के बना सकते हैं। हमने ये पनीर है, इसमें गाजर, सब बहुत ही हेल्दी डिश है। आप इसको प्लीज़ ज़रूर बनाइए और हमें बताइए आपको ये कैसी लगी।